उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी, ग्राम पंचायत मरोड़ा घोलतीर और पुलिस विभाग शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर फैले कूड़े को साफ किया और लोगों से सड़क पर कूड़ा ना फेंकने की अपील की और 3 क्विंटल कचरे को इकट्ठा किया। वहीं अभियान के दौरान सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले लोगों से ही कूड़ा साफ करवाया और समझाइश दी गई। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेकी की रिपोर्ट। यहाँ पर जो सफाई अभियान चलाया है, जो मातृशक्ति इसमें शामिल हुई है, जो बच्चे इसमें शामिल हुए, जो पत्रकार बंधु शामिल हुए, जो व्यापार मंडल के लोग इसमें शामिल हुए, मैं उन सभी का आभार अपनी पुलिस विभाग से भी देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पुलिस विभाग से भी आज में शामिल हुए हैं। और आपके माध्यम से मैं केवल ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यह हमारी जो उत्तराखंड देवभूमि है, पर्यावरण के मामले में हो या स्वच्छता के मामले में हो, मैदानी इलाकों से बहुत अच्छी थी। अब चूंकि यहाँ पर वर्तमान में यात्रा भी चल रही है और टूरिस्ट भी आ रहा है, आज ग्राम सभा मरोड़ा एवं व्यापार संघ घोलतीर के माध्यम से हमारे कॉन्वेंट स्कूल से लेकर और घोलतीर तक जो है सफाई अभियान चलाया गया। इसमें हमारे सीओ साहब माननीय घड़ियाल जी ने भी अपना प्रतिभाग किया। हम उनके बहुत 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 आभारी हैं कि जो उन्होंने हमको अपना टाइम दिया। और दूसरे में जब हम सफाई अभियान में गए तो हमें बहुत ख़राब लगा कि लोगों के घरों के आगे बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है और लोग अपने घर की सफाई कर रहे हैं और उस कूड़े को घर के बाहर फेंक दे रहे हैं। घर में जो मैंने अभी अपना अनुभव है कि लोग जो है जागरूक नहीं हैं और इनको जागरूक किया जाएगा और कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है, कोशिश ये है कि सभी लोग जो है सफाई के प्रति जागरूक रहें और अपने घरों के सामने कोई भी कचरा न फेंकें। देखो, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, इसमें आज इसी क्रम में आज हमने नगरासू से घोलतीर तक स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें हमारे साथ रुद्रप्रयाग के सीओ सर भी शामिल हुए। और हम स्वच्छता अभियान पर एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब अगर व्यक्ति स्वच्छ रहेगा तो हमारा देश स्वच्छ रहेगा। कृपया जो हमारे ये रोड हैं तो इन रोड को कृपया गंदा ना कीजिए। मतलब अगर हम गंदा करेंगे तो हमारे लिए बेकार है।